पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राधिका सातों दोस्तों से अपना खोया बेटा मांगती है। सातों दोस्त केव जाते हैं जहां उन्हें सिद्धार्थ बूढ़ी औरत की गोद में सोया मिलता है। बूढ़ी औरत उन्हें अतीत में ले जाती है जिससे पता चलता है कि वो ने ठाकुर खानदान में जन्म लिया था, पर वो बचपन से ही बौना था। उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। वो ने जमाने से लड़ने की बहुत कोशिश की पर बेरहम जमाने ने उसे जोकर बना दिया। अब आगे करना चाहता हूँ। कहो कहो शिवम। मैं ना नहीं ऐसे नहीं अच्छा मैं ऐसे करता हूँ। जल्दी कहो विक्रम। शिवम हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत हंसाती हैं। यू आर सो क्यूट। लेकिन प्यार, शादी, नो विक्रम। और दुनिया के सामने मैं तुम्हें एक पति के रूप में कैसे पेश कर सकती हूँ? तुम कितने बौने हो, यू आर सो फनी। और फिर तुम कोई काम भी तो नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या, एक सर्कस में जोकर का ही तो काम करोगे ना। चलो अभी बहुत देर हो रही, चलो विक्रम। लेकिन जीना तो था ना, हर इंसान जीना चाहता। मैं भी जीने के लिए खुद को धोखे में रखने की कोशिश में जोकर बन गया। मैं
बुआ जी पैसे देकर हंसने लगे। खुश देते सर्कस का मालिक तो मुझसे बहुत खुश था। जानती हूँ मैं एक दिन उसने क्या कहा, वो बोला कि काश तू और छोटा होता। नहीं हुआ, मैं बहुत दिन तक अपने आप को धोखे में नहीं रख सका। टूट गया मैं, मेरे बर्दाश्त की ताकत खत्म हो गई। जानती हूँ मैंने क्या किया। मैंने आत्महत्या कर ली। बताया क्यों? क्योंकि मुझे तमन्ना जो थी लोगों का प्यार, उनकी इज्जत हासिल करने की, दुनिया को मनवाने की धुन ने इंसान पूरा नहीं होता। बस इसी असीम इच्छा ने मुझे मरने के बाद भी जिंदा रखा। और इस बार और अधिक शक्ति के साथ, अनहोनी को होनी करने की शक्ति के साथ। फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ किया जाए जिससे आगे आने वाली नस्ल मुझ जैसे लोगों को मजाक उड़ाने की चीज न समझे। अरे बच्चे 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 होते हैं, फिक्र होते हैं, उन्हें जैसे संवारो संवर जाते हैं। क्योंकि उनके माँ बाप तो उन्हें सिखाते नहीं है मुझ जैसे लोगों को इज्जत करना। मैंने अपनी दुनिया बसाई और लगातार दिन रात उन्हें ये सिखाता रहा कि देखो बच्चों, शरीर छोटा होने से इंसान बौना नहीं होता। बौना होता है वो इंसान जिसकी सोच जिसकी समझ बौनी होती है। लेकिन इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे माँ, मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा था। बच्चे मेरे साथ बहुत खुश थे, मैं भी खुश था। तभी ये लोग ये आ गए मेरी दुनिया उजाड़ने। मेरी दुनिया उजाड़ने क्या हक था इन्हें? किसने हक दिया था तुम लोगों को? तुम लोगों को विक्रम, अगर तुम ये समझते हो कि सारी दुनिया ने तुम्हें जो दुख दिए हैं वो हमारे मरने से मिट जाएंगे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन सिद्धार्थ को प्लीज छोड़। एक बात मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने जो कुछ भी किया किसी आम बुरे आदमी से अलग नहीं किया। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे रोहित ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और मेरे पिताजी का क्या कसूर था? और राधिका, सिद्धार्थ, तुम्हारी घुटन, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी तड़प, ये सब समझते हैं हम विक्रम, मान गए। लेकिन तुमने उन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं जो तुम्हारा भला चाहते थे, जिनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने सिर्फ उनके बारे में सोचा जो बुरे थे। हम ये नहीं कह रहे कि जो हमने किया था या कर रहे हैं वो सही है या गलत, लेकिन तुम्हारे अंदर का सच्चा इंसान क्या कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है? बिल्कुल, जो किया मैंने सही किया। बुरों को सजा नहीं दोगे तो बुराई खत्म कैसे होगी? अब मैं सजा दूंगा, देता रहूंगा, और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, कुछ नहीं। लेकिन मेरा बेटा वो जिंदा रहेगा,
मेरा हथियार बन गए। ऐसा मत करो विक्रम, तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हारे सीने में एक प्यार भरा दिल है। है? लेकिन इस दिल में सिर्फ मेरी माँ रहती है, सिर्फ मेरी माँ। अपनी माँ की खातिर छोड़ो। नहीं, माँ है माँ, तू भी बिल्कुल मत हो। चल माँ, चल माँ, इन लोगों की तोड़ चलते हैं। मुझे जितने भी डूब जाने हैं मैं तुझे चौक न सुख दूंगा। मैं तुझे, चल मेरे साथ, मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा माँ, सारी। जा बेटा जा, तू आज मैं जान गई दुनिया में सबसे बदनसीब माँ मैं हूँ, जिसका बेटा सिर्फ बौना ही नहीं पूरा भी। मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, दुख ही दुख झेलना है। आज मुझे कहना पड़ा है कि मैं तुझसे सचमुच लज्जित हूं, मैं तुझसे सचमुच लज्जित हूं। जा नहीं माँ, जा नहीं, जा यहाँ से, जा नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ। नहीं माँ, मैं तुझे लज्जित नहीं देख सकता माँ। मैं सिद्धार्थ को छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा माँ। बस तू एक बार मुझे माफ कर दे माँ। तुम लोगों से एक ही विनती है, जब कभी भी अपने बच्चों को मेरी कहानी सुनाओ तो उनसे ये मत कहना कि वो एक बुरा इंसान था। उनसे कहना कि विक्रम एक अच्छा आदमी था। इस जोकर को नायक ही रहने दो, खलनायक मत बनाओ। ठीक तो? हाँ। माँ जी शुक्रिया। सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ।
कैसे मैं रहूं? अपनी माँ को छोड़कर चले गए बिना बताए, अपनी मम्मी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मम्मी, मैं आपसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। राधिका, सिद्धार्थ, अपनी मां से कहो कि मैंने जो भी उसे तकलीफ दी है उसके लिए मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाए। मैं मानता हूं कि ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, क्योंकि अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। बोलो मम्मी। अपने पापा से कहना उन्होंने मुझे मेरा बेटा मिलवा दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और मैंने भी उन्हें गुस्से में जो कुछ भी कहा उसके लिए वो मुझे माफ कर दे। क्या कहा मम्मी? कुछ नहीं। बोलो ना मां। कुछ नहीं, अपने पापा से कहना मम्मी उन पर गुस्सा नहीं है। पापा, मम्मी आपसे गुस्सा नहीं है। सिद्धार्थ, मम्मी से कहो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन दिलाने के लिए क्या कहूं ये भी पूछ लेना पापा से। राधिका,